हाय, दिस इज अदील चौधरी एंड आज यू नो यूजुअली मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, बट दिस वन आई हैड टू डू बिकॉज फॉर जहांजेद कमर हु इज एन एक्सलेंट राइटर. हमें खाला से कह दीजिए कि इसे यहाँ से ले जाए. ये वीडियो बनाने का मकसद है, आजकल मेरा एक्सीलियर चल रहा है उड़ान, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आसिम, थैंक यू सो मच. आप उस सीरियल को इतना पसंद कर रहे हैं और सना को लीक होने के नाते से अब आप मुझे गिफ्ट्स भी देंगी, मेरे घर तक पहुंच जाएंगी, मेरी वालदा के साथ रबते कायम करेंगी. प्लीज़ क्यों करें आप इस तरह? खुदा की कसम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और रखा भी था मैंने, लेकिन तुम्हें रहने का हुनर ही नहीं आया. सफेद पोश इंसान की मोहब्बत तो तुम्हें बोझ लगी ना, बल्कि मजाक लगती थी. आई हैव एक्चुअली नो वर्ड्स रिगार्डिंग द यू नो सीरियल के. मुझे कितनी खुशी है कि मैंने ये सीरियल किया, बिकॉज एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा रोल प्ले किया जिसमें द गाय इज लाइक रियली इनोसेंट और उस पर औरत जो है बहुत ज़्यादा जुल्म भी कर रही है, एंड स्टिल यू नो ही इज लिविंग विद हर एंड ही इज मैडली इन लव विद हर. और जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो यूजुअली आप उसकी बहुत सारी बुराइयों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों को जो है आप लेट गो कर देते हैं. एक्चुअली खाला चाहती थी कि तुम एक सवारी से उतरो तो दूसरी सवारी तुम्हारे लिए ऑलरेडी तैयार. तुम अपनी खटारा को सवारी कह रहे हो? तो जब अपना नसीब इसको समझ ही लिया था तो जाने की सब कश्तियाँ जला कर आती. जहाँ एतबार ही ना हो तो लाख कश्तियां जला क्यों ना दी जाएं? वापस जाने की जरूरत पड़ ही जाती है. जहां तक बाकी एक्टर्स की बात करें, आई थिंक सबने ही बहुत अच्छा काम किया है. आई थिंक हर कैरेक्टर ने अपने 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 कैरेक्टर को लेके बहुत ही जस्टिफाई किया सबने. सो थैंक यू वंस अगेन. गुनहगार को अगर गुनाह करने का मौका ना मिले तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए. मलिका, क्या तुमने कसम खा रखी कि हर बात पर मेरी इंसल्ट करोगी? जहाँ तक जहांजेब कमर साहब की बात है, क्या ज़बरदस्त लिखते हैं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूं, एंड फाइनली वो आसिम की सूरत में ज़रूर पूरी हुई, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. एंड क्या छुपा रहे हो मुझसे? वही जो पूरे ज़माने से अब मुझे छुपाना पड़ेगा. तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी मोहब्बत की लाज रख ली. जीत गई मेरी मोहब्बत. मोहब्बत नहीं जीती है तुम्हारी, जिद जीती. जहाँ तक इस सीरियल की बात और करें तो सेवन स्काई ने प्रोड्यूस किया, अब्दुल्ला साहब ने और असद कुरेशी साहब ने. वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स वी हैव, इन फैक्ट द बेस्ट प्रोड्यूसर्स वी हैव, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद देम. और मैं जब से लाइक इस इंडस्ट्री में मैंने काम स्टार्ट किया, सो बैक टू बैक मेरे सेवन स्काई के साथ प्रोजेक्ट्स हैं, एंड आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी दैट दे ऑलवेज try to give me some different roles. इसलिए मुनाफिक से बिल्कुल different और हट के था ये role. तुमने मुझे एहसास दिलाया और ये भी कहकर कि वो खटारा मेरी तुम्हारे काबिल नहीं थी तो इसलिए गाड़ी ले ली. मेरे साथ के लिए तो ये भी काफ़ी नहीं. मलिका, मुझे कुछ वक्त दो. अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ रहा तो मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ. थैंक यू वंस अगेन. इसी तरह आप रेटिंग्स हमें देते रहिए और इसी तरह हमारे सीरियल उड़ान को आप पसंद कीजिए, एंड आई होप कि मलिका आखिर में सुधर जाए और आसिम एंड मलिका कैन लिव हैप्पली एवर आफ्टर, बट इट्स येट टू सी. और मैं भी बहुत ही ईगर हूँ कि एंडिंग क्या होगी. सज़ा तो ख़त्म कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, आज़ाद कर रहा हूँ मैं तुम्हें इस कैद से जिसकी ख्वाहिश तुमने हमेशा से की थी. लेकिन मुझे आपसे खुदा के लिए मलका, मेरे इन हाथों की तरफ देखो. मैंने ये तो बर्दाश्त कर लिया कि निकाह से पहले तुम्हारे ताल्लुकात थे, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगा, और ना ही मैं इतना बेगैरत इंसान हूं कि तुम निकाह के बाद भी जराने रखो. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आसिम को इतना प्यार देने के लिए. सब कुछ खोया.